वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी। आज हैं हमारे साथ मोहम्मद अबू बकर साहब, जो कि एलुमनाई यूएस एम्बेसी पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी खिजर एहतशाम, वो भी एलुमनाई हैं यूएस एम्बेसी पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और जैसा कि नाज़रीन, आजकल हम देखते हैं इंग्लिश हमारे मुआशरे की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर बच्चों को स्पेशली अपने कॉन्फिडेंस को ग्रूम करने के लिए, अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं हर इंसान को, कि किस तरह वो अपना मुस्तकबिल जो है वो रोशन कर सकते हैं, बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज इनसे जानेंगे। इनसे पहले जान लेते हैं कि इनकी जर्नी जो है वो कैसी है। सबसे पहले तो अबू बकर तारीख पूछ, मैं अच्छा मैंने आज सोचा है कि मैं सराइकी में इस चीज़ को लेकर चलें, क्योंकि हमारा जो खिता है यहाँ पर जनूबी पंजाब, स्पेशली बहुत सारे लोग जो हैं वो सराइकी हैं, और जिनको मैं समझती हूँ कि हम आसान लफ्ज़ों में उनकी ही जुबान में समझा सकें। अच्छा, ये 100 तारीख जर्नी की मेरी, एडमिशन कीता, उसके बाद जड़ा है उन मैं चाहता कि काफ़ी सारे जड़े सारे व्यूवर्स दे दे उन्होंने को पता लग सके। ये गल 2018 की है, मैं उदू ग्रेजुएशन करेंदा वा दाऊं, तो मैनू पता लगा बई साडा जिहड़ा खानेवाल है उहदे विच प्रोग्राम करवाया जा रहा है अमरीकन एम्बेसी की तरफों। मैनू पता लगा, मैं अप्लाई किया, तो पता मैनू लगा मेरे एक उस्ताद उस फेसबुक पर शेयर किया, ठीक है, इहदे बारे मैं अप्लाई किया, तो मैनू उन्हां दी कॉल आ गई शॉर्ट लिस्टिंग तो बाद कि तुहाडा ना फलां तारीख में टेस्ट है। अच्छा, पहले तो मैं बड़ा परेशान होया, मैं क्या बई अप्लाई मैं कर बैठा तो पता हूँ मेरा टेस्ट ही क्लियर हो सी या ना हो सी, लेकिन खैर मैं अल्लाह का नाम लैके लगा गया, टेस्ट शेस्ट दिता, तो उस तो बाद तकरीबन 2 हफ्ते बाद मैं कॉल आ गई उन्होंने कि हूँ तुहाडा इंटरव्यू। मैंने बड़ी खुशी हुई, मैं क्या बई ठीक है जी, एक मरला तो मुकम्मल होया, टेस्ट मेरा क्लियर हो गया, हूँ अगर इंटरव्यू च मैं बाद मैं डर लग गया, मैं पता मेरा इंटरव्यू क्लियर होता नहीं होता लेकिन अल्लाह ताला का करम आई वाल दी दुआवान मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। सही। मैं बेसिकली किया इंग्लिश वर्क्स कोर्स। अच्छा, ये जरा कोर्स है ये 6 महीने तो मुश्तमिल होता, तो ये जरा 17 साल तो लैके 25 साल के जोड़े तालिब इलम होंगे ना उन्होंने रीलो एक इदारा है, रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस, ठीक है, इस्लामाबाद बेसिकली दफ्तर है, तो ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो एरियाज हैं ना उस मुख्तलिफ प्रोग्राम जो इंग्लिश के हवाले के नाल अरेंज करेंगे, ठीक है, तो वो 17 तो लैके 25 साल तक के जो नौजवान हैं ना रीलो उन्होंने ये मौके फराहम करता है, तो यूएस कौंसलेट जनरल लाहौर जोड़ा वो मुआवनत भी रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन जो कोलैबोरेट कर दी हैं, उस तो बाद पब्लिक सैक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो भी जुड़ चुकी हैं रीलो के नाल, अपने इतने हम मुल्तान च यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का जो कैंपस है उत्थे कोर्स करवाया जा रही है इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम, ठीक है, तो उसके बारे खिजर भाई तुम दसे सन, तो खैर मैं 6 महीने का जो कोर्स किया है वो करन तो बाद मेरे अंदर बड़ी तब्दीलियां जड़ियां ना वो पैदा हुई हैं, मेरी परसनैलिटी के अंदर भी एक निखार पैदा होया, मैं जैसे कि तुसा खुद ही मैं तारफ करवाया, मेरा ताल्लुक खानेवाल के इलाके कबीरवाला तो है, तो मेरी ग्रेजुएशन तो बाद जो मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर, तो मैं जल्द अपना पहले तो इंट्रो करवाया, तो बड़े वो मतलब बड़े खुश भी हुए, तो बड़े मतलब उन्होंने हैरानगी भी हुई कि जनूबी पंजाब के एक मतलब इलाके तो एक बंदा आया, तो टेस्ट क्लियर किया जी बिल्कुल, तो वो अपना तारुफ जो मैं करवाया तो मैं बाकायदा क्लैप करके मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के उन्हें मेरी तारीफ भी की, उन्हें कहा भी बड़ा थोड़ा बोलचाल का अंदाज बड़ा अच्छा है, उन्होंने पूछा थोड़ी स्कूलिंग की तू, इस तरीके का उन्होंने सवाल मेरे को पूछे, बाद मैं उन्होंने दसिया बात वाकई भी तुसा जरा ना कुछ सीख के आए हो। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मैं 2 साल का अपना अरसा गुजारिया, मैं बड़ा फायदा दिता है इस इंग्लिश वर्क के प्रोग्राम में, सही मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के मैं हिस्सा मिलता रहा, मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन भी को करिकुलर की जी रिजर्व सीट होंगी है ना उससे होया। अच्छा, मैं अलहमदुल्ला आप कह सकते हो तुसा के मल्टी टैलेंटेड, अल्लाह ताला की तरफों मैं कुछ सलाहित अल्लाह ताला दी,
मैं नाथ खां भी हाँ, सिंगर भी हाँ। अच्छा माशाल्लाह, मतलब वो डिबेट भी कर लेना मैं, मतलब ये प्रोग्राम दी वजह तो करके तेरी पर्सनालिटी जड़ी है ना वो काफी ग्रूम थी जी बिल्कुल, और जड़े तारे टैलेंट है वो भी सामने आया बिल्कुल बिल्कुल सही, सही। मैं अपनी यूनिवर्सिटी जड़ा मैं अपना अरसा गुजारिया, मैं मुख्तलिफ जड़ी सोसाइटीज हैं उन्होंने नाल मैं इन टच रहा, अल्लाह ताला दा करम मेरे ते इतना होया कि जेडे उत्थों दे साडे प्रोफेसर हजरात हैं या जेडे भी स्टूडेंट सोसाइटीज चला रहे हैं उन्होंने मैनू बड़े मौके दिते, तो मैं 2019 तो लैके जो 20 का सैशन आई उस मैं वाइस प्रेजिडेंट रही हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का जी कमेटी होंगी ना ईवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाई दी है, ठीक है मुख्तलिफ सोसाइटियां बनी होनी ना यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो मैनू एजाज हासिल होया भी मैं एक साल पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर मुख्तलिफ ईवेंट्स जोड़े वो ऑर्गनाइज करवाए माशाल्लाह, मतलब इतना अंदाजा ला सकते हो कि ए तक प्रोग्राम जोड़ा है वो कितना फायदा दे सकते कि अगर आने वाली जिंदगी है ना बिल्कुल। अच्छा कितना अर्सा थी कि तक कोर्स किए हुए? मैंने तकरीबन 4 साल होने वाले ने प्रोग्राम किए हुए, ठीक है, तो मैंने मेरी यूनिवर्सिटी की तरफों एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस होती पी आई उस जे पाकिस्तान डेलीगेट्स आए हुए हैं उन्होंने गाइड करन वास्ते सिलेक्ट किया गया। अच्छा कॉन्फ्रेंस बेसिकली लास्ट टाइम 1986 के अंदर हुई आई, कॉन्फ्रेंस का नाम है एड एशिया कॉन्फ्रेंस लाहौर, 2019 के अंदर हुई आई 5 दिन की कॉन्फ्रेंस आई, तो मैनू जोड़ा उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफों सिलेक्ट करके भेजा गया और उतना मुख्तलिफ मुल्क के लोग आए हुए हैं, रूस तो अमरीका तो मुख्तलिफ एरिया तो लोग आए हुए हैं, बेसिकली वो मार्केटिंग दी हाई कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो उस तो बाद मीडिया जेडे हाउसेज हैं बड़े बड़े जिवें BBC हो गया CNN हो गया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी इंग्लिश आई, मेरा जो डिग्री है वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर है, तो मैनू एज अ कंटेंट राइटर के तौर पर भी उन्होंने काम करने का मौका मिले, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के नाल मैनू काम करने का मौका मिले। सही माशाल्लाह। अच्छा मजीद भी तारे को तारे को पूछूँ, अच्छा थोड़ा जी अपने बारे तुसें दसाओ, ताजा एक्सपीरियंस किवें रहा, कितना अर्सा थी कि तुसें एक प्रोग्राम को किते हुए कोर्स किते हुए? मैं कॉलेज में था और मेरे इंग्लिश के सर बताते हैं कि मेरे एक ऐसे प्रोग्राम शुरू हो रहे इंग्लिश के सर इनके एक्सेस में भी पढ़ाते थे और बायदा भी हमारे कॉलेज में भी पढ़ाते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जाएँ आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा ली, उन्होंने स्कूल बताया, मैं वहाँ गया तो मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवा ली, तो कुछ अर्से बाद कॉल आ जाती है कि रिटन टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसकी कुछ अर्से बाद कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए। अच्छा। अब इंटरव्यू भी क्लियर हो जाते हैं तो होता है ऐसे कि जैसे इंटरव्यू क्लासेस शुरू होने लगती हैं ना, तो एक हफ्ते मेरे कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं एक हफ्ता लेट जाता हूँ, एक हफ्ते लेट के बाद जब मैं क्लास में जाता हूँ ना पहले पहले दिन, तो वहाँ पर बेसिकली जैसे ही टीनएजर्स का प्रोग्राम है तो इनके 13 से लेकर 20 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इनरोलमेंट करते हैं, तो इनकी 7th क्लास 8th क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था, तो वहाँ पे सर एक इनके बच्चों से पूछते हैं कि आज जो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन पढ़ाएगा, एक हफ्ते में इन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे, तो मेजोरिटी बच्चों ने हैंड्रेस करके कहा सर आज हम पढ़ाएंगे, तो वहाँ से एक बच्चे का सर कॉल करते हैं कि बेटा आप आके पढ़ाएं, तो एक हफ्ते की क्लास में जो बच्चा जो था उसने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जांपल्स प्रेजेंट किए थे 10 किस्म के। अच्छा। तो वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ जिसके मुझे लगा कि मुझे इस कोर्स में भी आगे लेके चलना चाहिए, तो वहाँ उस वक्त से मैं वहाँ पर उस कोर्स पर रेगुलर हो गया, तो जैसे मैंने इनरोल किया तो जब मैंने इनरोल किया तो मेरी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बेसिकली उनके सेंटेंसेज वगैरह ये भी इतनी चीज़ें नहीं आती थी, तो वहाँ के जो हमारे ट्रेनर्स जो थे इनके US सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं होता कि आपको बुक्स दे दी जाती हैं जैसे बच्चे कहते हैं कि इसको रटें, ये चीज़ नहीं होती वहाँ पे ना, एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ते हैं कि वर्क बाय डूइंग मीन्स आप पढ़ भी रहे हैं और साथ उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं, ठीक है जैसे आप कोई भी एक चीज़ मैं कहता हूँ कि आप डेली रूटीन बता रहे हो कहते आई कॉम आई हेयर, तो वहाँ पे इशारा करके बताते आई कॉम आई हेयर, तो इनके एक्टिविटीज़ के साथ से हम चीज़ों का पढ़ते थे, तो एक्सेस के दौरान जैसे हमारा 2 साल का एक्सेस मुकम्मल हुआ उसके बाद मेरा बाउदी जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, तो पहले पहले दिन जैसे इंट्रो की क्लास होती है और पहले पहले लेक्चर बाय द वे इंग्लिश का होता है, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, टीचर पूछती हैं कि प्रोफेसर पूछते हैं कि सबसे पहले कौन इंट्रोडक्शन देगा, तो पूरी क्लास में सर मैं खड़ा होकर मैं पूरी क्लास में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, टीचर बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एक तो वॉलंटियर आपने बताया और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमें पता है कि पहले ये चीज़ इनकी बताया कि फिर ये चीज़ बतानी होती है फिर ये चीज़ और फिर ये चीज़, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा कितने साल का प्रोसीजर है सारा ये? सर पीछे 2 साल का था। अच्छा
यानी कि जो हमारे इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये बेसिकली 2 ईयर्स प्रोग्राम है और टीनेजर्स के लिए है, इनके स्कूल टाइमिंग्स के बाद होता है। मीन्स अगर आप वेरी करते हैं कि इसकी टाइमिंग्स भी वेरी करती हैं, जैसे सर्दियों में स्कूल में देर से छुट्टी होती है तो यहाँ पर भी लेट क्लास, इनके स्कूल टाइम के एग्जैक्ट हाफ आवर के बाद इसकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अच्छा, स्कूल का टाइम तो बाद चला ना स्टार्ट कर सकते हैं, कॉलेज का जिन टाइम होंगे उन्हें बाद क्लासेस का टाइम होंगे। कितने घंटे की क्लास होनी है? 2 घंटे की क्लास होती है और दरमियान में स्कूल के टाइम से आधे घंटे का गैप इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट होते थे उसी स्कूल के होते थे और अक्सर होते थे जिन्होंने बाहर से आना होता था। जैसे कि मैं कॉलेज में था और ये प्रोग्राम स्कूल में चल रहा था तो हमें बाहर से आना होता था, हम लोगों के लिए आधे घंटे का गैप होता ताकि हमारे कुछ मिस ना हो जाए। अच्छा, आप मैं ये हैरान थी नहीं भैया कि तुसा उर्दू में जवाब देने में, मैं सराइकी बोले नहीं, तो तक कुछ सराइकी नहीं आती क्यों नहीं बोली तुम सराइकी है? तो ये तो सारा तय किया गया सराइकी गाल के। अच्छा, ये दसाओ कि जाहिर गल है एक नौजवान असल जाहिर बहुत ज्यादा लोग जो ना इंटरेस्टेड है कि वो अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकें और इन तरफ आ सकें, क्या तरीके कार है की तरीके अप्लाई कर सकते हैं और ये कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं? साढ़े एक ऑफिस है रीलो रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस, तो उनके होते हैं ना अपॉर्चुनिटीज अपलॉड थी, मीन्स इंग्लिश एक्सेस इंडिया अपॉर्चुनिटी आवे से इंग्लिश वर्क से जिन्होंने अब वक्त ने दसा इंडिया अपॉर्चुनिटी आवे थी, इनके अलावा जो टीचर से प्रोग्राम उन्होंने अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। अच्छा, तो उतना फेसबुक से मैं अपॉर्चुनिटीज अपलोड थी वन ईवन के जिम्मे मैं उन्होंने स्टूडेंट हाँ, मैं अपने सारे एरिए से अपने दोस्तों बढ़ा दसा रहे सके यानी कि ये अपॉर्चुनिटी है तो तुम ये सीख सकते हो, तो इन तरह यानी कि पब्लिसिटी कहने की जे वे थी वी है तो वर्ल्ड स्टूडेंट को पता चलता स्टूडेंट एप्लीकेशन जमा कर हैरान थी सर, जो सा 2019 वाला प्रोग्राम आई था तो उन्हें अंदर 3500 एप्लीकेशन आई हैं तो असर 300 वॉल सिलेक्ट करने हैं। सिर्फ 300? बिल्कुल 300। ठीक है, तो उनके बाद वॉल सिलेक्ट होंगे तो सबसे पहले रिटन टेस्ट थे, रिटन टेस्ट को जो क्लियर थी उनका इंटरव्यू थे, इंटरव्यू को जो क्लियर थे उनके बाद मौका मिलते इतना पढ़ने का। सही, मतलब एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है, उन बाद उसने गुजरन तो बाद तो उसमें सिलेक्ट थी दे बिल्कुल और तारा उन बाद अगु प्रोग्राम अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो तू से उनके आ सकते हैं स्किल्स एंड स्पार्क है तो वाल तो साथ आ रहे हो। अच्छा, वैसे जेले आ तो सा अप्लाई कर रहे हो एक एप्लीकेशन में दिए उनके बाद क्या क्वेश्चन होंगे, क्या इंटरव्यू होंगे ताकि मैं चाहनी हूँ कि जरा डिटेल नाजरीन को पता लगे? बेसिकली जड़ा एप्लीकेशन होंगी वो अंदर जनरल सवाल ही होंगे, थोड़ा मतलब पूछा वह ऑब्जेक्टिव्स पूछे वह तुसा के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस तरीके क्वेश्चनेयर टाइप एक एप्लीकेशन फॉर्म होंगे जो भरना पाता सानू, और अंदर ये भी एक सवाल होंगे भी तुसा ये कोर्स करके अपना जो कम्यूनिटी है वो अंदर के रोल प्ले करे सो, थोड़ी कम्यूनिटी जी अंदर के चेंजिंग्स तुसा लैके आसो, और ये साड़ा जड़ा इब्तदाई तौर पर जड़ा एप्लीकेशन फॉर्म होंदा ये असं भरने हैं, उस तो बाद सानू मतलब जड़ा कॉल वगैरह आंदी है जड़ा भी बंदा सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, भी थोड़ा टेस्ट है फलां तरीके तुस आओ। अच्छा, टेस्ट है चल क्या, टेस्ट है क्या? एकेडमिक टेस्ट होंदा है, जो असं टेस्ट दिता ही तो ज़्यादातर वो अंदर ग्रामर पूछी गई है। अच्छा भाई, क्योंकि ये जरा कोर्स होंगे ये वास्ते जी नॉर्मल इंग्लिश ही होनी चाहिए थी, कोई हाई फाई तो नहीं होती जो बंदा कोर्स करता है, लेकिन ये कि वो कम्युनिकेट कर सके आसानी नाल कर सके, ग्रामर होंगी, उस तो बाद कंप्रीहेंशन का एक पैसेज होंगे, ट्रांसलेशन भी दे दें, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी दे दें, क्योंकि ये जो इंग्लिश वर्क्स कोर्स है ये मैं तुम्हें पहले भी दसाया भी ये 17 साल तो लैके 25 साल के नौजवान इस अप्लाई कर सकते हैं, ये जी एज होंगी ये अक्सर जे तालिबे इल्म होंगे एफ एस सी कर चुके होंगे इंटरमीडिएट जी होंगे या कुछ यूनिवर्सिटी लैवल पर हाँ, तो उन्होंने जो लैवल होंगे वो थोड़ा जहा अप होंगे एज कंपेयर टू जे एक्सैस के बच्चे होंगे, एक्सैस के बच्चे ने दसिया भी वो उन्होंने जी एज है वो इस तो थोड़ी जी कम होंगी है। टेस्ट तो बाद जड़ा थोड़ी सिलेक्शन होंगी है इंटरव्यू वास्ते, तो हूँ असा मैं खाने वालों किया कोर्स से तकरीबन 4000 एप्लीकेशन, एक छोटा जहा मतलब शहर है खाने वाल भी 4000 एप्लीकेशन उतों आई है, तो साढ़े नाल दो साढ़े सैशन बने हैं तो तकरीबन 100 बच्चा सिलेक्ट होया, बड़ा खुश किस्मत लोग हैं जो सिलेक्ट ही हैं। सही। अच्छा, इन कोर्स के हवाले ना सो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है या इन्हें कोई फीस भरनी पड़ी है, क्या इनका सारा? जी ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जेडे भी लोग सानू वेख रहे हैं साड़ी कम्यूनिटी के साढ़े खिते के लोग उन्होंने मैं दसावना चाहना भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है,
ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਾਦਮ ਸਾਥ ਥੋੜਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा जेड़े लोग दूर दूर तो आने जाहिर गल है बहुत सारे स्टूडेंट्स ही होने जिन्हां दे घर तो करीब नहीं आता जरा दूर होंगे उन्हां वास्ते क्या सहूलत है फिर मैं तुम दसावा भी मैं मेरा तल्लुक कबीरवाला का एक गाँव है उतों है कोठी नंबर 7 मेरे गाँव का ना है तो जिथे मेरा सेंटर आई उतों तकरीबन 25 किलोमीटर बनता है मैं आऊँ तो मेरा एक दोस्त कबीरवाला का ही असा रोज़ जरा ट्रैवल करके वेंदे असे अपनी बाइक ते कदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ते क्योंकि सानू सानू टीचर दस्या भी है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है शुरू शुरू सानू लगा भी बड़ा मुश्किल हो सी साडे वास्ते जावना रोज़ 25 किलोमीटर करके जावना सख्त गर्मी है बाद 25 किलोमीटर करके वापस आवना लेकिन उन्होंने सानू दसाया भी तुहानू असा जिहड़ा है एक स्कॉलरशिप की मद विच तुहानू वजीफा भी असा देसी है अच्छा मतलब जिन्हू TAD एक आदन बिल्कुल फ्री भी है उल्टा तुहानू स्कॉलरशिप भी देंदे ने ते बहुत अच्छे जिहड़ा है मौके जिहड़ा है रीलो जिहड़ा है रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज काफी कम लोगों को जिहड़ा ना अच्छा अवेयरनेस की बड़ी जरूरत होनी स्पेशली प्रोग्राम के हवाले नाल इनफॉर्मेशन भी चाहिए अवेयरनेस भी चाहिए ताकि लोग काफ़ी जिहड़े पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकें अच्छा खिज़र ये दसाओ कि ये प्रोग्रामिंग जिहड़े हैं ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਨੇਜਰਸ ਵਾਲੇ ਐਕਸੈਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਕਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੀਲੋ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਥੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਜੋਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਬਿਲਕੁਲ जॉब की अपॉर्चुनिटीज ही होंगे ईवन के जेड़े वाले इतू पढ़ गए जे वे नवा प्रोग्राम आवन लगे इनके उन्होंने उतनी क्वालिफिकेशन थी होती है कि वो प्रोग्राम के एज ए ट्रेनर वास्ते अप्लाई कर सकन तो उन्होंने वास्ते बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है उन्होंने को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे ठीक 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 है तो ताकू क्या फायदा मिले ये दसाओ तो सब कोर्स करन दो मेको ये फायदा मिले कि मेरी जी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो बहुत जबरदस्त हैं मेरा जो ताल्लुक है वो टेक्निकल फील्ड ना ले ठीक है मेरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग ना ले जेवल हूँ मैं बहुत ही सके यूनिवर्सिटी से विजिटिंग से पढ़ा वादा तो जेवल उ पढ़ावना शुरू किया ना तो मेको पहली पहली बार जेवल लैक्चर खत्म किया मेको बाद उन्हें खुद आगे सर यू आर अमेजिंग यूर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर अमेजिंग अच्छा खुशी थी है ना जो सही तरीके कॉन्फिडेंस तरह बहाल थी और थोड़ा प्रॉपर तो तारी ग्रूमिंग थी वाले उनके बाद बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है इंसान को एक भी शायद कहे था इन प्रोग्राम के अंदर ना सब किताबों नाल मोहब्बत सिखाई जाती है जिनके बुक रीडिंग की हैबिट है ना ये उतर साढ़े तमाम स्टूडेंट के अंदर डिवेलप करवाई जाती है जिनके जो आप आम स्टूडेंट है कि कोर्स वाली किताबा नहीं पढ़ते लेकिन उतर जी सारी हैबिट बनी हुई ना एक्सटर्नल बुक रीडिंग लिटरेचर सब पढ़ाए हुए उनके अंदर स्टूडेंट इंटरेस्ट पैदा थे तो उन्होंने एक फायदे थे जे वे असं एक्स्ट्रा बुक रीडिंग शुरू कराने कि सबकू बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने एक्सपीरियंस कर दी उन्होंने अपनी किताब की शक्ल से देखते होने तो असं उन्होंने पढ़ के उस भी हासिल कर देंगे अच्छा बड़ी जरूरत है ना जिम्मे लोग अजकल जिम्मे बच्चे हैं स्पेशली बुक्स तो जरा दूर भेजते हैं और इन टाइम बड़ी जरूरत है इतनी अच्छी सेने पे हो बाकी में बड़ा इंटरेस्ट पैदा थी पे मेरे को बुक क्लब जो थे साढ़े प्रोग्राम के दौरान किताबा जड़ियां वो सानू मिलदियां पढ़न कारण वो असा किताब सानू टाइम मिलता है हफ्ते का दो हफ्ते का भी वो किताबा पढ़ के बाद असा अपना मतलब जो व्यू का इजहार करना होंगे भी असा जी किताब पढ़ी है वो अंदर असा के सीखिया किताबा जड़ियां वो भी सानू US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ बेस्ट बुक सेलर जी किताबा होंगे वो सानू प्रोवाइड की जाए मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जो होते हैं उसके ऊपर हमें बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं
और बहुत अच्छी लर्निंग अच्छा, होती है। क्या आखना चाहते सारे नौजवान लेते पर उनको की तरीके नाल जो है उनको मोटिवेशन चाहिए होनी है ना, थोड़ा थोड़ा जे एक मोटिवेट करने की जरूरत है ताकि वाल नौजवान नस्ल की तरफ माइल खेंगे जी। बिल्कुल क्या आखना चाहते हो? बस मैं उन्होंने ये आखना चाहता भी हिम्मत ते मेहनत का साथ ना छोड़न, ते अपॉर्चुनिटीज असं पहले दसा चुके हैं भाई इन्होंने पेजेज इन फेसबुक का पेज है रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस रीलो का, उससे मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज जो अक्सर पोस्ट होनी रही हूँ। रीसेंटली एक अपॉर्चुनिटी जी दी हुई आई इंग्लिश टीचर्स कारण ग्लोबल ओपन कोर्स जोड़े होंगे 8 हफ्त के। अच्छा मैं भी हमने रीसेंटली अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर उतों एक कोर्स किया एट सोल मैथडोलॉजी का, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ नॉन नेटिव लैंग्वेजेस। अभी उनका कोर्स आया हुआ था फॉल के अंदर, उसकी जो डेडलाइन थी ये जो प्रोग्राम है दागू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की तरफ घिन के में जी आज ऐसा समझते ना बड़े परेशान है चीजों को कि अपनी बेरोजगारी है उनको जी, तो अगर एक करके प्रोग्राम्स को अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा तारी दुहान दा तुसे सारे शो काफी इंफॉर्मेशन जी सारे व्यूअर्स तक पहुंची। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।